हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। राधे राधे। आज मैं बनाने लेके आई हूँ कढ़ी चावल। सो गाइस, कढ़ी चावल बनाने के लिए मैंने बेसन लिया है कढ़ी बनाने के लिए, और एक खट्टा दही लिया है जो मैंने एक कटोरा लिया है। खट्टा दही है और इसमें तोड़ भी पड़ा हुआ है खट्टा पानी। और सो गाइस, बेसन को पहले एक कटोरी में, बड़े से कटोरे में डाल देंगे। सो गाइस, अगर नए हैं तो मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। चावल का जितना भी आप अवेलेबल हो अपना लें, जितना परिवार में सदस्य खाने वाले हों। तो गाइस, मैंने चावल जो ले लिया है और पानी में भिगो दिया है, तो इसको भीगने देंगे आधे घंटे के लिए, छोड़ देंगे इसको। चावल भीगता रहेगा, जब तक चावल भीग रहा है बेसन को एक कटोरी में डाल देंगे, परात में या कटोरी में जो भी अवेलेबल हो आपके पास। इसमें डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, एक चुटकी हींग, मैंने एक गिलास पानी लिया है नॉर्मल टेम्परेचर का। और इसका बैटर तैयार कर लेंगे। इसका बैटर थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है गाइस, क्योंकि पकौड़ी बनानी है। तो पकौड़ी बनाने के लिए बैटर को थोड़ा सा गाढ़ा ही रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एक ही राउंड में इसको फेंट लेंगे। गया है गैस, बिल्कुल परफेक्ट है। और इसको फेंट दिए हैं, हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो चुका है गैस, इसको फिर से फेंट लेंगे। एक ही राउंड में फेंटना है। अब आपका गैस देख सकते हैं कि ये फिट चुका है, और इस बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है फिटने के बाद। गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई रखेंगे गैस लोहे की, और मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल डाला है, वो भी कड़वा तेल। इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है गैस, इसको चारों तरफ फैला देंगे। गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे, और जो बैटर मैंने तैयार किया था इसको फिर से फेंट लेंगे, और इसकी छोटी छोटी सी इस तरीके से पकौड़ियाँ बना लेंगे। पकौड़ी गाइस डबल हो जाती हैं सीखने के बाद, और तेल गाइस कम ही लिया जाता है, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा लेंगे तो पकौड़ियाँ फूलेंगी नहीं। इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी पकौड़ियाँ डाल दूंगा। पकौड़ी में गाइस ये पकौड़ियाँ और डबल हो जाती हैं, फूल जाती हैं, तो थोड़ी छोटी ही ली है मैंने। देख सकते हैं कि ये पकौड़ियाँ डबल हो गई हैं, फूल गई हैं। इसको गाइस पलट देंगे। आप देख सकते हैं कि पकौड़ियाँ डबल हो गई हैं ये फूल के। देंगे इनको इसी तरीके से गाइस, सारी पकौड़ियाँ जितनी भी कड़ी में डालनी हो उतनी सेक लेंगे। पलट देंगे। सारी पकौड़ियों को हमने पलट दिया है, ये गैस सीख चुकी हैं, इनको निकाल देंगे। इस तरीके से गैस आप पकौड़ियाँ बना सकते हैं। तो गैस आप देख सकते हैं पकौड़ियाँ सीख चुकी हैं कढ़ी के लिए। इस तरीके से आप पकौड़ी की कढ़ी बना सकते हैं, और ये बहुत ही सॉफ्ट बनती हैं। आप देख सकते हैं कितनी स्पंजी बनी है, और गैस कढ़ी में तो और भी फूल जाती हैं। कढ़ी के लिए बनाने के लिए जो बैटर फूल तैयार किया था वो इतना बचा हुआ है पकौड़ी के बाद, तो जो इतना बेसन बचा हुआ है तो इसमें डाल देंगे एक कटोरा दही।
और इसमें डालेंगे गैस पानी, दो गिलास पानी इसमें डालना है। अब इसको घोल तैयार कर लेंगे, चारों तरफ लगा हुआ है उसको भी साफ कर लेंगे बेसन। और इस तरीके से अब ये मथानी लेंगे और मथानी से इसको फेंट लेंगे। कढ़ी के लिए गोल तैयार हो चुका है गाइस। कढ़ाई में गाइस जितना ऑयल बचा था उसी में ही एक चुटकी हींग डालेंगे। वन टीस्पून टर्मरिक पाउडर, और इसमें पानी डाल देंगे। अब गोल तैयार किया था वो हाथों से फ्रेश कर लेंगे और फिर एक बार मथानी लगा देंगे और गोल इसमें डाल देंगे। एक ग्लास गैस पानी और डालेंगे, इसमें मथानी चला देंगे। इस तरीके से कढ़ी का गोल तैयार कर लिया है। कढ़ी को छोड़ ली है और इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे एक गिलास। फिर पर आपको इस तरीके से जो भी बेसन लगा हुआ था वो पोछेंगे और ये पानी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको गैस चलाएंगे। अब आप देख सकते हैं इस तरीके से आप कढ़ी छोंक सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब गैस इसको गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे और इसको खोलने देंगे। इसको समथिंग 15 से 20 मिनट तक इसको खोलाएंगे। गाइस आप देख सकते हैं कि ये आधा घंटा समथिंग हो चुका है और गैस को मैंने लो फ्लेम पे कर दिया था और ये खूब खोल चुकी है। और इसको जितना ही खोलाते हैं उतना ही बढ़िया टेस्टी बनती है कड़ी। तो गाइस अब जो पकौड़ियाँ हैं, पकौड़ियों को इस तरीके से हाथ से थोड़ा सा प्रेस करके दबा लेंगे और फिर इसमें कड़ी में डाल देंगे। तो गाइस इस तरीके से पकौड़ी हाथ में ले लेंगे और इस तरीके से दबाएंगे हाथ से। आप देख सकते हैं कि इतनी सॉफ्ट बनी है। अब इसमें डाल देंगे सारी पकौड़ियों को, इस तरीके से दबा देंगे ताकि रसा इसके अंदर अच्छे से भर जाएगा। और इस तरीके से पकौड़ियाँ चटक जाती हैं, आप देख सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे अब गाइस। तो गाइस पकौड़ी डालने के बाद इसको ज़्यादा देर नहीं खोलाते हैं, पकौड़ी अब फिर फूल जाती हैं। और ज़्यादा देर खोलाएंगे तो पकौड़ी टाइट हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि कलर पकौड़ी भी फूलने लगी है। और गाइस इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक जितना अवेलेबल हो। तो मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है। और गाइस इसको जब ठंडा हो जाएगी कड़ी तो बिहारी जी को भोग लगाएंगे। बिहारी जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है कड़ी, तो गाइस इसको बिहारी जी के लिए भोग लगाएंगे। और इसको पहले ठंडा कर लेंगे कड़ी के लिए, और चाहे तो ऊपर से मिर्च डाल के आप खा सकते हैं और चाहे तो थोड़ी सी इसमें डाल सकते हैं, इसमें टेस्ट बहुत अलग आ जाता है। तो इसमें मैं आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दे रही हूँ और जब खाते हैं तब उसमें गाइस मिर्च ऊपर से भी डाल लेते हैं। गाइस मैंने थोड़ी सी आधा टीस्पून से कम लाल मिर्च पाउडर डाला है और ये बनके तैयार हो चुकी है। और पकौड़ी आप देख सकते हैं कि ये फूल गई हैं। गैस इसको पहले ठंडा कर लेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। सो गैस आपको कड़ी की वीडियो कैसी लगी? गैस अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। तो गैस कड़ी के साथ चाहें तो कड़ी आप रोटी से खा सकते हैं या चावल से खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। कड़ी के साथ खाने के लिए मैं चावल बना रही हूँ। तो चावल भीग चुका है, आधे घंटे हो चुका है। तो अब इसके लिए धो लेंगे 2-3 पानी से। चावल को गाइस धो लिए हैं 2-3 पानी से और इसको कुकर में रख लिया है। अब देख सकते हैं कि ये साफ हो गया है। अब इसमें पानी डालेंगे। पानी गाइस उतना ही रखना है जितना अवेलेबल हो। तो गाइस मैंने 1 गिलास पानी डाला है, 2 गिलास पानी डाल दिया है। और ये चावल से थोड़ा सा इतना ऊपर रहता है तो चावल सही बनता है, नहीं तो ये चावल बहुत गीला हो जाएगा।
अब इसको गाइस ढक्कन लगा देंगे, कुकर में ढक्कन लगा देंगे और इसको गैस पर रख देंगे, गैस ऑन करेंगे गैस और इसको कुकर को रख देंगे। और इसमें गैस एक सीटी लगानी है, ज़्यादा सीटी नहीं लगानी है, चावल में गैस एक ही सीटी लगती है। तो गैस एक सीटी के लगाने के बाद इसको ठंडा होने के बाद ही इसको खोलना है। तो गैस मिलते हैं एक सीटी आ जाने के बाद, फिर कुकर ठंडा हो जाएगा तब इसको खोलेंगे। कड़ी बन चुकी है और कड़ी की वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ बताइएगा। आप कड़ी को इसमें इसके ऊपर कर लिए हैं, अब इसके ऊपर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तो गाइस इस तरीके से आप चाहे तो रूखी भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और सबसे पहले ठंडी हो गई है, अब इसको लगाएंगे बिहारी जी को लिए भोग। तो गाइस बिहारी जी को भोग लगाएंगे चावल और कढ़ी का। और इस तरीके से गाइस ठंडा हो जाने के बाद ये खाइएगा, गरम गरम नहीं, गरम गरम खाएंगे तो मुँह मिल जाएगा। तो गाइस अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुकर में सीटी आ चुकी है और ये ठंडा भी हो गया है, अब इसको खोल के देखेंगे कि चावल कैसा पका है। देख सकते हैं कि चावल बन चुका है ये। गैस कड़ी चावल के लिए सर्व कर लेंगे। तो गैस कड़ी और चावल को मैंने सर्व कर लिया, चाहे तो आप रोटी से भी खा सकते हैं, कड़ी बहुत टेस्टी लगती है। अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा लाल मिर्च पाउडर। कड़ी चावल आप उससे खाइए, पकौड़ी देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट बनी है और कितनी फूली है ये। और चावल से खाइए चाहे आप रोटी से खाइए। और तो गाइस कड़ी चावल की वीडियो ये कैसी लगी, आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नए हैं आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बिहारी जी के लिए भोग लगाएंगे। और सबसे पहले बिहारी जी के लिए भोग लगाएंगे, बिहारी जी को बहुत ज़्यादा पसंद है कड़ी चावल रोटी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय, राधे राधे। और खाइए कड़ी चावल और बताइए और कैसी बनी लगी मेरी वीडियो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय, राधे राधे।